एनवायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अम्बली स्थित अबुल कलाम स्टेडियम में अब अंदर जाने के लिए पैसे देने होंगे। ठाणे मनपा ने आज गेट के पास ही नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि बिना पैसे पे किए अंदर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ये स्टेडियम मुंब्रा वालों के लिए ही बनाया गया था जो अब पैसे देने होंगे। स्विमिंग पूल के भी पैसे लिए जा रहे हैं और अंदर लोग दौड़ लगाते थे जाकर, लेकिन अब अंदर जाने के लिए स्टेडियम में पैसे लिए जाएंगे, इस तरह का नोटिस बोर्ड लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर MIM पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना। जावेद भाई, क्या कहेंगे आप, यहाँ पे कौन सा स्टेडियम में पहुँचे हैं, क्या मामला है, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों, सबसे पहले आलम इस्लाम को मैं ईद की जो पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो है, जो ये बकरा ईद है और बकरा ईद में सारे हमारे आलम इस्लाम के लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी संबंध में मैं आज ना बात करके मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये आप देखते सकते हैं कौसा स्टेडियम, जो यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है। ये बड़े बड़े यहाँ के नेता हैं, इन नेताओं ने 2010 में मुमरा की जनता के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ये स्टेडियम बनाया गया था, जिसका ठेका जो है ये जो है अंधेरी का कोई ठेकेदार है, जिसको 2010 में दिया गया था 30,61,61,843 रुपया, और 18 महीना के अंदर इसको बनाना चाहिए थे। आप देख सकते हैं अब TMC हरकत में आई है 14 साल के बाद, तो ये नेताओं ने आज तक पूछा नहीं है कि भाई ये जो टेंडर हुआ था मुमरा शहर के हमारे माँ बहन और भाइयों जो बूढ़े लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो ये स्टेडियम बनाया गया था ये अभी तक चालू नहीं हुआ। जैसे चालू हुआ तो आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है कि अगर कोई यहाँ शख्स आता है वॉकिंग करने के लिए या कोई खेल खेलने के लिए तो उसको 236 रुपया का एक पास बनाना पड़ेगा, यानी फ्री नहीं है। इसको भी TMC ने किसके कहने में की है, ऊपर आला अधिकारी मंत्रालय के लोगों से बात हुई होगी जब ये जो है नोटिस लगाई गई है। तो मैं महाराष्ट्र शासन के लोगों को बताना चाहता हूँ, 14 साल का हिसाब जनता पूछ रही है, 14 साल में 30 करोड़ रुपया के ऊपर लागत लगी थी, तो उसके लिए आपने तो आवाज़ नहीं उठाया। मुझे तो ऐसा लगता है कलवा विधानसभा जो यहाँ चुनाव होता है ये उसके लिए ये लोगों ने कांड किए हैं कि ऐसा कांड करो बाद में हम फ्री करा दें और वोट हम ले लें। तो ये काम मेरे समझ में यही आ रहा है। 236 रुपया इसलिए लिया जा रहा है कि जो सुबह में यहाँ पर हमारी बहनें जो वॉकिंग को जाते हैं या कोई यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने जाते, कोई भी खेल खेलते वो ना जाएं, अगर कोई जाए तो 236 रुपया का पास बना के जाएं। यानी ये भी TMC ने प्राइवेट ही हो गया ना, जब पैसा ले रहे तो ये बड़े बड़े नेता लोग कहाँ सोए हैं, खाली संविधान बचाने के लिए और वोट ले रहे। अरे संविधान को ख़त्म करने वाला किसी का माई का लाल पैदा नहीं हुआ, खाली ये नेता लोग खाली बोल वचन करके, जैसे आज ये तो मान के चले कि प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका भी। अब देख सकते हैं पैसा ले रहे हैं या तो ये भाड़ा ले रहे हैं भाई, ये भाड़ा हो गया प्राइवेट। तो खैर ये खाली मुजबानी चल रहा है, आने वाले विधानसभा में शायद लोग जो है इस पर क्रेडिट लेने के लिए काम करेंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, संस्था वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन मैं कागज़ के सबूतों के आधार पर बात करता हूँ, लिखतन के आगे भक्तन की नहीं चलती।
आज जो कागज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि ये 14 साल हो गया है, 14 साल में मन्नत का चिराग बना, उसमें भी अभी लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इसमें बोलेगा तो कौन, इंशाल्लाह कंपनी नहीं गए, ये लोग खुद म्यूनसिपाल्टी जब आमदार महोदय से या एनसीपी के नेताओं से यहाँ पे ग्राउंड के लिए बात किया गया, वो लोग स्टेडियम दिखा देते हैं कि हमने बना के दे दिया। देखिए ये तो आप सवाल कर सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, मैं किसी की नेता के बारे में तंस नहीं करूँगा, और तंस मैं करूँगा तो ये बहुत बात हो जाएगी गलत। मैं इसलिए बोलता हूँ जो कायदा के ऊपर बसत आए, मी मुमरा शहर में काम करता है, मेरे पास ये कागज है, आज उस कागज के आधार पे मैं आज जनता को बता रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है। तो आने वाले दिन में ऐसे लोगों को आप चुन के दो जो आदमी अपनी दुकान चलाने के लिए मुमरा शहर को चला रहे हैं, वो बंद करना चाहिए। जावेद भाई पहले स्कूल के अरे भाई मैं आपको वही बार 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 बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ अचानक 14 साल के बाद, मन्नत का चिराग बना उसके बाद में ये क्यों पैसा लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संदेहजनक बात है। इसमें प्रशासन भी मिली है, यहाँ के जो राजनेता हैं, जो तरह तरह की पार्टियां हैं, वो अपना श्रेय लेने के लिए ये काम हुआ है। और देखना आज नहीं कल 4 दिन के बाद बड़े नेता आएंगे, आंदोलन करेंगे, देखो हमने बंद करा दिया और लोगों के लिए हम बहुत हमदर्द हैं, ये होने वाला है। और इंशाल्लाह हम जो है इसको जो है 24 तारीख को कमिश्नर के ऑफिस के सामने 4-5 मुद्दा मुमरा शहर के लिए है वो हम आंदोलन करने वाले। जैसे वहाँ पर एक ब्रिज है, वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ के लोगों से आने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, हम वो मुद्दा कमिश्नर के पास से बैठ के लिखित में लेंगे, जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं।